बागवान साथियों नमस्कार, मैं डिंपल पांचटा फेसबुक लाइव के माध्यम से एक बार फिर से आप लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। फोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से मैं आप लोगों से थोड़ा लेट जुड़ पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लीफ येलो हो रही है निन्नू टोकरा जी, तो येलो हो रही है किस वजह से येलो हो रही है, मर्सोनीना है या कोई और चीज़ है, उसको ज़रूर आप बागवानी विभाग में चेक कराएं या मुझे भी आप फोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं। विकलाल खिमटा जी, कार्बन डाइजीम और मेनकोजेब के साथ अमेज एक्सल, बिल्कुल सर, आप अमेज एक्सल तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, आप किसी के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। सार्थक की टाइमिंग, जितेंद्र कंवर जी, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे कि सार्थक डाले, ये जो भी आप फंगिसाइड डालते हैं बागवान साथियों, उसको जब आप अप्लाई करते हैं उसके बाद वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। सिर्फ दो दिन अभी इसलिए बोलते हैं कि टेम्परेचर अभी बढ़िया है, एक दो दिन तो काफी ज्यादा हो गया था, जैसे ये एक दो दिन में मौसम साफ होता तो आप दो दिन की ओर जाइए, दो दिन आप कर सकते हैं। मैं दो दिन नहीं करता क्योंकि उसके साथ प्रॉब्लम बहुत है, टेम्परेचर देखना पड़ता है, कहीं ना कहीं फिर रेस्टिंग की प्रॉब्लम आती है, तो जो सल्फर बेस्ड है उसके लिए मैं हमने पहले ही सल्फर पहले ही डाल दिया था ग्रीन टिप पे, इसीलिए हम दो दिन को अभी नहीं डालते हैं। प्रोमेलिन का इस्तेमाल, शबीर जी आप के क्या अभी क्या स्टेज है वो देखने वाली बात है, कभी भी पीजीआर का ओवरडोज ना करें आप, खासतौर पर 250 ml से ऊपर जाने की कोशिश ना करें, चाहे स्प्लिट में चाहे सिंगल एप्लीकेशन में। वी आर प्लेइंग विद पीजीआर, पीजीआर का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो बाकी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने इसमें अपनी कोई चीज ऐड करने की कोशिश करी तो ये नेगेटिव इंपैक्ट भी आप आपके पौधों पर डाल सकता है, इसलिए इसका सदुपयोग और रेशो का खासतौर पर ध्यान रखें। भूपिंदर चौहान जी, 2 किलो यूरिया, जैसे कि आजकल आपको पता है भूपिंदर चौहान जी, पानी ऑलरेडी ठंडा होता है, ऊपर से आप यूरिया डालेंगे टेम्परेचर फिर डाउन आएगा, अगर आपका पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे आया फिर भी आपकी फंगिसाइड काम नहीं कर पाएगी, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। बागवान साथियों, मुझे लगता है कि आज के लाइक हमने काफी क्वेश्चन ले लिए अपने, और इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि अगर कोई ऐसी और बात रह गई है जो अभी कर सकते हैं हम, तो मुझे लगता है कि हमने सारे विषयों को बखूबी छू लिया है।